फराजी से भाई, फराजी से सुन लीजिए, फराजी क्या कह रहे हैं, उसकी मदद होती है तो कोई चलिए फराजी क्या, वो तो खुद आरएसएस के मेंबर है, अब क्या सुनना भाई, चलिए कहिए। नहीं इशारा कुछ इन्हीं को पता है आरएसएस की मेंबर है क्या है, अगर आरएसएस की मेंबर है तो क्या सही बात को सही कहना और गलत को गलत कहना क्या गुनाह है। दूसरी बात, जनेत ने शुरू से आज तक मुसलमान कौम को गुमराह करने का काम किया है, सबको पता है मैडम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे देश को पता है, इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी चीजें वायरल होती है जहां पर आप मुसलमान बनके झूठा, आपके बारे में कहते हैं आप कट्टर पंथियों के समर्थक हैं, इसका क्या करें, काम करती है आपके बारे में कहते हैं आप कट्टर पंथियों के समर्थक हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के, सुन लीजिए फराजी की बात, तो यहां यहां झूठ यहाँ झूठ का ड्रामा मत कीजिए कि मैं मुस्लिम औरत हूँ और देखो मैं मुसलमानों के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, पर्दाफाश हो चुका है, तो आप ना ही बोलिए तो अच्छा है, लेकिन आपको माइक मिला है तो बोल लीजिए, वरना आप किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं है, झूठी औरत है। अब इसका सर्टिफिकेट आरएसएस का और बीजेपी का, अब मुसलमान है या नहीं इसका सर्टिफिकेट भी शोएब जमाई बांटेंगे, कौन मुसलमान है या नहीं इसका सर्टिफिकेट भी शोएब जमाई बांटेंगे, अरे आप बांटेंगे सर्टिफिकेट, आपने क्या छापा खाना छपवा रखा है, आपने छापा खाना छपवा रखा है मुसलमानों को, सच्चे मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांटने का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, आपके बारे में भी लोग यही कहते हैं, शोएब जैसे जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इन फराजी आप बोलिए, सिर्फ फराजी की आवाज जाएगी, पूरा खुला हुआ, आप गूगल कीजिए ना, आप गूगल करिए, अभी पता चल जाएगा ये किस नेक्सस से ताल्लुक रखती है इस तरह की, जो बदनाम करने का काम करती है मुसलमानों के नाम पर। ठीक है फराजी, आप बिल्कुल मत सुनिए इनके, आप अपनी बात कहिए, अब बात सुन लीजिए वरना आपका ऑडियो कट करूंगा मैं, फराजी कंक्लूड करिए, देखिए जमीयत ने शुरू से क्या सकते हो भाई साहब, सच्चाई तो सुनी नहीं जाती आपसे, फराजी आपका ऑडियो ठीक होगा, आपका ऑडियो बहुत डिस्टॉर्ट होकर आ रहा है, मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि फराजी को ऑडियो ठीक करे।